नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सर जैसा कि आप लोगों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और लास्ट एग्जाम में बीबीए के बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सो बहुत सारे बच्चों के ना मुझको एक क्वेरीज आ रही थी और मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हम लोग कहां से अपना यूनिट वन अकाउंटेंसी का पढ़ सकते हैं सो मैंने आज आप लोग लिए वीडियो डाली है इस वीडियो के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा यूनिट वन मैंने कवर करवाया है लास्ट मिनट लास्ट शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों की मतलब लास्ट मिनट रिविजन आप लोग इस वीडियो से कर सकते हैं सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए शुरू करते वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के स्टार्ट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट मोमेंट रिविजन बाय कॉमर्स भैया अभी हम लोग करने वाले यूनिट वन जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ठीक है तो ये यूनिट वन का मेन मेन नाम है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी की डेफिनेशन या फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स मतलब ए आई सी पी ए इसने एक डिफाइन दे रखी है अकाउंटिंग हो जो कि कहती है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देर ऑफ अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है ये डेफिनेशन कहती है कि हम लोग अकाउंटिंग को किस नजरिए से देखते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है ठीक है एक कला है किस चीज़ की अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं मतलब पहले जनरल के अंदर एंट्रीज करते हैं सेकंड चीज़ हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि वो कौन सी एंट्री है कौन से अकाउंट में जानी चाहती है तो हम लोग उसको फिर उसके हिसाब से उसके लेजर अकाउंट में डाल देते हैं फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइज करके एक साथ लिखते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ना आप लोगों की पहली बात तो एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए दो लोगों के बीच में या फिर दो कोई भी पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तभी हम लोग उसको अकाउंटेंसी के अंदर नोट डाउन करते हैं एंड इसके अलावा वो टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए ठीक है तभी हम उसको नोट डाउन करेंगे सो so, एक फाइनेंशियल करैक्टर के साथ में होनी चाहिए और उसके बाद जैसे कि हम लोग उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज़ करते हैं फिर उसको हम लोग एनालाइज और इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स को आगे बता देते हैं यूजर्स तक ठीक है अब ये सब चीजें हम लोग आगे और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं सबसे पहला है टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है उसको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग uh, करते हैं सारे अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं सेकेंड पॉइंट है टू असेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉसेज को बनाने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉसेज को निकालने के लिए भी अकाउंटिंग uh, करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं और लास्ट है कि मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए सो so ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स आप नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक फंक्शंस अब फंक्शंस क्या 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 अकाउंटिंग के फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन आप लोगों का आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट सबसे पहला काम होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको आइडेंटिफाई करना सेकंड मेजर करना कि भाई वो मनी के टर्म्स में है भी या फिर नहीं है अगर नहीं है तो उसको उसी टाइम हटा दो हम लोग उसको नोट डाउन नहीं करेंगे थर्ड है आप लोगों का रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फिर हम लोग उसको जर्नल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं फिर हम लोग फोर्थ क्लासीफाई करते हैं और लेजर अकाउंट्स के अंदर डालते हैं फिर फिर तो वही आप लोगों को समराइज़ करते हैं और ट्रायल बैलेंस में डालते हैं फिर उसके बाद एनालाइज़ करते हैं इंटरप्रेट करते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब चीज़ें बनाती हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं इस डेटा को हम लोग यूजर्स तक यूजर्स कौन होते हैं यूजर्स दो टाइप के होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर्स मतलब कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह ठीक है सी ई सब लोग हो गए एंड एक्सटर्नल के अंदर आप लोगों के क्रेडिटर्स हो गया बैंक हो गया गवर्नमेंट हो गई ये सब चीज़ें आ जाती है सो ये थे आप लोगों के फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का एक मेन डिफ्रेंशिएशन जो कि आ जाता है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है बुक कीपिंग क्या होती है बुक कीपिंग आप लोगों की होती है रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है मतलब इसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंड इसके अलावा अभी हम लोगों ने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम लोग उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं कम्युनिकेट करते हैं ये सब चीज़ें उसके अंदर हम करते हैं अगर हम लोग बात करेंगे स्टेजेस की बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज पर होती है बट अकाउंटिंग प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी स्टेज पर भी होती है ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बस बना के रखना बट अगर हम लोग अकाउंटेंसी की बात करें तो वो एक रिजल्ट को भी बनाती है एनालाइज भी करती है और अपना रिजल्ट आगे बताती भी है बिजनेस ऑपरेशंस को नेचर की बात करें तो ये एक क्लैरिकल काम होता है एक ऑफिस रूटीन होता है इसके अलावा जो अकाउंटिंग होती है वो एक एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन नेचर वर्क होता है मतलब हम लोग उसको बहुत ही तमीज से करते हैं एनालाइज़ करके करते हैं दिमाग उसमें ज़्यादा लगता है अब बुक कीपर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग इसके अंदर बुक कीपर रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसके अंदर अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स से आप नीचे के भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप लोग सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर हमारी तीन है इसकी अकाउंटिंग की सबसे पहले आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट कहता है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ट्रांजेक्शन दट इज इन्वॉल्व इन्वॉल्व द स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू समराइजेशन एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा मतलब अभी तक आप लोगों ने जो डिफाइन पढ़ी थी जो याद करी थी जो डिफाइन याद करोगे उसी कॉपी इसके अंदर लिख के आ सकते हो सेकंड आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग अगर ये बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसके अंदर हम लोग कॉस्ट को ज़्यादा ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है कहाँ पर खर्चे ज्यादा हो रही है ये सब चीज़ें हम लोग निकालते हैं एंड इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट को कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्ड विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड इन डिसीजन मेकिंग इसके ये मतलब होते हैं कि इसके अंदर ना ये आप लोगों के सारे अकाउंट्स वगैरह तो बनाते ही बनाता है बट ये डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में इस चीज को जरूर याद रखना नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है वो यार देखो प्रिसाइज नहीं होती आप लोग जितनी भी कोशिश कर लीजिए अकाउंटिंग में आप लोग प्रिसाइज नहीं कर सकते एक्यूरेट टू द पॉइंट नहीं कर सकते थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है सेकंड चीज़ डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ अ ये ना इसके अंदर हिस्टोरिकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है अकाउंटिंग के अंदर कि इसके अंदर यह रहता है कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम लोग बात ज़्यादा करेंगे ठीक है जो भी पास्ट में कॉस्ट रिकॉर्ड करी है मान लो कोई लैंड अगर दस हज़ार रुपये पे रिकॉर्ड हुई है तो आगे भी दस हज़ार रुपये ही रहेगी उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते थर्ड है हमारा पॉइंट इसके अंदर इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ये भी वही है अगर किसी असेट के अंदर प्राइस लेवल चेंजेस आते हैं तो इसको, इसको इग्नोर करता है फोर्थ पॉइंट है इग्नोर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कोई भी इंसान कितना ऑनेस्ट है कोई भी इंसान कितना अच्छा है कोई भी इंसान कितना बुरा है इन सब चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता है फिफ्थ पॉइंट आप लोग का अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग मतलब कोई भी इसके अंदर झोल कर सकता है कोई भी इसके अंदर कोई भी घापलेबाजी कर सकता है नेक्स्ट आते हैं अब हमारे 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है इनको आप लोग ध्यान से सुनना मैं एक ही करके सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है ठीक है आप लोगों को मेन बस नाम याद होने चाहिए और अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद बना के लिख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल प्रिंसपल ये कहता है कि एक अकाउंटेंसी की मतलब एक जो फर्म होती है बेसिकली एक बिजनेस फर्म होती है कंपनी होती है एक कंपनी और उसका मालिक ये दोनों ना अलग अलग होते हैं अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे अंबानी और रिलायंस की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो अंबानी से मुकेश अंबानी से अलग है हम ये नहीं कह सकते मुकेश अंबानी रिलायंस का सारा पैसा खुद ही लेके जा सकता है नहीं भाई वो एक जस्ट शेयर होल्डर है या फिर वो जस्ट एक मालिक है उसका चेयरमैन है तो वो सारा पैसा नहीं रख सकता है तो दोनों दोनों एक अलग अलग एंटिटी है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटी है अगर हम लोग गवर्नमेंट की उसमें देखें लीगल भाषा में देखें या फिर बिजनेस की भाषा में देखें तो दोनों अलग अलग लोग हैं ठीक है थीके, जो उसका बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो एक आर्टिफिशियल कंपनी है या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो नॉर्मल इंसान है मतलब मुकेश अंबानी वो एक नॉर्मल पर्सन है सेकेंड आप लोगों को बोलता है मनी मेजरमेंट अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को मनी में मेजर करते हैं बिना मनी के हम लोग उनको मेजर नहीं करते रिकॉर्ड नहीं करते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में हुई है पैसों के अंदर हुई है ट्रांजेक्शन तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं थर्ड स्टेप आप लोगों का अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों को पता ही होगा अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों का फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक का होता है तो इसके अंदर जस्ट आप लोगों को यही रक, याद रखना है कि आप लोगों का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च हर साल चलता है फोर्थ है आप लोग का फुल डिस्क्लोजर इसके अंदर आप लोग ना ये प्रिंसिपल आप लोगों का ये बोलता है कि आप लोगों को अकाउंटिंग के अंदर न, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है आप लोग कुछ भी चीज़ों को छुपा नहीं सकते कोई भी चीज़ों को आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं इसको नहीं बताऊँगा या फिर नहीं डालूंगा ऐसा आप लोग को नहीं करना होता है सारी चीज़ों को आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना होता है फिफ्थ है मटेरियलिटी प्रिंसिपल है इसके अंदर ये आप लोगों को बेसिकली ये बोलता है कि मटेरियलिटी होनी चाहिए मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोग ऐसे लग रहा नहीं कि ये मटेरियल है ये असेट है या फिर ये मटेरियल हो सकती है बिजनेस के तौर पे तो आप उसको नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं सो नेक्स्ट है आप लोगों का प्रूडेंस प्रूडेंस कंसेप्ट आप लोग का क्या बोलते हैं या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सो ये प्रिंसिपल आप लोग का क्या कहता है ये प्रिंसिपल कहता है आप लोग का डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसिस कि आप लोगों को प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है बिजनेस के अंदर बट आप लोगों को लॉसेस के बारे में जरूर सोचना है कि आप लोग बिजनेस के अंदर लॉसेस खा सकते हैं लेकिन आप लोगों के प्रॉफिट्स होंगी ही होंगी आप लोगों को ये चीज़ें सोचकर नहीं चलनी है नेक्स्ट आप लोगों का कॉस्ट कन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर आप लोगों की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एंड अस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू अवायर इट मतलब जब भी हम लोग उसको खरीदा है ना उसको अक्वायर करा है किसी भी असेट को असेट क्या होता है कोई भी चीज़ अगर हम लोग बिजनेस के लिए ले रहे हैं उसको हम लोग असेट बोलते हैं जैसे कि आप लोगों का फर्नीचर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हो गई प्लांट एंड मशीनरी हो गई इन सब चीज़ों को हम लोग असेट बोलते हैं सो तो अगर कोई भी असेट को हम अक्वायर करें ना जिस भी कॉस्ट पर ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करना है मतलब एक लाख की खरीदी एक लाख में ही रिकॉर्ड करो आगे फ्यूचर में उसकी वैल्यू चाहे बढ़ जाए कम हो जाए उससे आप लोगों को मैटर नहीं करता है नेक्स्ट है आप लोगों का मैचिंग कंसेप्ट एक्सपेंसिस इन टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकग्नाइज मतलब आप लोगों का मान के चलना है आप लोगों को और आप लोगों को ये करना भी है अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस के अंदर कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं ना एटलीस्ट आप उनसे तो मैच करके चलो अपने रेवेन्यूज को मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो उतना आप लोग कमाओ भी ठीक है इस चीज़ को आप लोगों को मैच करके चलना है इसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट आप लोगों का डुअल एस्पेक्ट कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है ना एवरी ट्रांजेक्शन एंटेड इन एज टू एस्पेक्ट मतलब अगर बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर हो रही है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से जाते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का रेवेन्यू रिकोगग्नीशन रेवेन्यू इज रिकग्नाइज वन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश मतलब अगर मान लो आप लोगों को कोई पैसा आने वाला है तो जब वो पैसा आएगा ना भाई आपके हाथ में पैसा अगर ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो चुकी है तभी आप लोगों को उसको क्या करना है नोट डाउन करना है रिकग्नाइज करना है लास्ट आप लोगों का वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों को कहता है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ट्रांजेक्शन कौन से बेसिस पे आएगी एविडेंस के बेसिस पे अगर किसी चीज़ का एविडेंस है आप लोगों के पास बिल है या फिर कोई भी कैश मेमो है या फिर कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप उसको नोट डाउन करेंगे तो ये थे आप लोगों के सारे के सारे प्रिंसिपल्स नेक्स्ट आते हैं हमारे कंसेप्ट तीन कंसेप्ट बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर पहला है आप लोगों का गोइंग कंसर्न एजम्शन गोइंग कंसर्न एजम्शन ये बोलता है आप लोगों को कि आप लोगों का जो बिजनेस है वो ना हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा अगर मैं आप लोगों को इसके डिफाइन बोलूँ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉर फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन की बिजनेस को आप लोग ये सोच के नहीं चलेंगे मेरा बिजनेस कभी रुकेगा मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा सेकंड आप लोगों का कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज एंड प्रिंसिपल्स वंस अपलाइड शैल भी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर मतलब ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोग लगाएंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों की चलती रहेगी जो भी प्रिंसिपल्स आप लोग लगाएंगे जो भी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे वो आप लोगों को हर साल रिपीटेडली करनी है मान लो मैंने एक साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया अगले साल में नहीं बना रहा तो ऐसा नहीं चलेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर थर्ड पॉइंट आप लोगों का अप्रूवल एजम्पन अ्रूवल बोलता है आप लोगों का ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड दे आर एंटर्ड इन टू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो गई है कि आप लोगों ने मान लो किसी को उधार पे सामान दे दिया तो उसको नोट डाउन उसी टाइम कर लो अभी पैसा आया है या नहीं आया है गुड्स तो माइनस हो गए हैं अकाउंट में से ठीक है गुड्स तो आपके जा चुके हैं स्टॉक तो आपका माइनस हो चुका है तो आप लोगों को उसी टाइम रिकॉर्ड करना है ये नहीं कि भाई वो बंदा मुझको पैसा देगा एक महीने बाद दो महीने बाद मैं उसको तब रिकॉर्ड करूंगा ऐसा नहीं है अक्रूवल का यही मतलब होता है इस एजम्शन का यही मतलब है कि ट्रांजेक्शन जब हुई है उसको उसी टाइम पर नोट डाउन कर लो सो so, ये थी आप लोगों की तीन बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोगों का इसके अंदर गैप्स गैप्स की फुल फॉर्म है आप लोगों का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स मतलब ये कुछ बेसिक रूल्स हैं आप लोगों के जिसके अंदर अकाउंटिंग रहती है ठीक है जो भी अभी हमने ऊपर प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना वो यही होते हैं गैप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेक्स्ट आता अब आप लोगों का स्टैंडर्ड्स कुछ अकाउंटिंग है ना स्टैंडर्ड्स है सेट ऑफ गाइडलाइंस गाइडलाइन आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जो भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब चीज़ बनाते हैं ना इनके अंदर हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आइए देखते हैं अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को आई मतलब जो आप लोगों का चार्ट अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट है उसके अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मतलब वहाँ से उसकी वेबसाइट से निकाल रखे ये कुछ आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं याद भी कर सकते हैं चाहे तो जैसे कि आप लोगों का एस वन बोलता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ए एस वन जीरो टू बोलता है शेयर बेस्ड पेमेंट ए एस वन जीरो थ्री बोलता है आप लोगों का बिजनेस कॉम्बिनेशन फिर आप लोगों का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सो ये बहुत सारे हैं आप लोग ठीक है आप लोग इनको याद कर सकते हैं या फिर जैसे मर्जी आप लोग देख सकते हैं इनको ये सारे आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे कुछ बारह अभी आप लोगों के हैं और थर्टीन से लेकर ट्वेंटी सेवन तक आप लोग इनको अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो इनका पॉज करके अच्छे से लिख लो इन सब चीज़ों को और थोड़े से और हैं आप लोगों के टोटल आप लोगों के मेरे ख्याल से ये अभी ट्वेंटी से आप यहां पे आप देख रहे हैं थर्टी एट तक yes, ये आप लोगों के टोटल है थर्टी नाइन सो थर्टी नाइन तक है लास्ट वाला आप लोग ए एस फोर्टी वन जो कि है एग्रीकल्चर के ऊपर ठीक है so सो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे इनको आप लोग अच्छे से याद करो आई सी ए आई ने आप लोगों को दे रखा है नेक्स्ट अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों बना रहे हैं या फिर ये स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हमारे लिए सबसे पहला मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विद द एम टू एलिमिनेट द एलीमेट देम टू एक्सटेंड पॉसिबल मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो भी गलतियां होती है ना उन सब चीज़ों को मिनिमाइज करना ग्रेट एक्सटेंट तक ठीक है सेकंड पॉइंट आप लोग का प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाए इस वजह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं और लास्ट आप लोग का अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अच्छे से समझ पाएं उनको अच्छे से कर पाएँ अच्छे से अडॉप्ट कर पाएँ अच्छे से अप्लाई कर पाएं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आईएफआरएस जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड मतलब आई ने कुछ आप लोगों के स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिसको हम बोलते हैं आई ठीक है फिर उसके बाद आई के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि आई ने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को बता रखी है कंपनी को कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए पहले आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेकंड आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम थर्ड आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इक्विटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो बताना है फोर्थ आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं लास्ट आप लोग का नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब वर्किंग नोट्स वगैरह भी बनाते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी अकाउंटिंग के अंदर बनती है सो so ये था आप लोग आई ए आर एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फिर आ जाती है हमारी थैंक यू की स्लाइड सब्सक्राइब कॉमस भैया आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज उसको लाइक करें शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ दो आपसे सा अगली वीडियो में भी नहीं धन्यवाद